तो हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब वासी, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, तो देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम में वीडियो वायरल, अभी जो अभी के टाइम में जो वीडियो वायरल जा रहा है, तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि दुर्गा पूजा भी नज़दीक आ रहा है, तो दुर्गा पूजा स्पेशल वीडियो वायरल जा रहा है अभी के टाइम में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इस वीडियो अभी के टाइम में ट्रेंडिंग में जा रहा है, वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा भर भर के व्यू आ रहा है। तो आखिर इस वीडियो को बनाए तो बनाए कैसे? तो आज इसी वीडियो को हम बनाना सिखाएंगे आपको। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को एडिट करने के लिए आपको दो ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है टर्बो वीपीएन और दूसरा है कैपकट, जो कि टर्बो वीपीएन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी और दूसरा है कैपकट जो कि प्ले स्टोर में नहीं मिलेगी। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए कैपकट को लॉगिन करते हैं। मेरा वीपीएन पहले से कनेक्ट है, वीपीएन को कनेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो इधर न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, उस पर टच कर देना है आप लोगों को, और जिस वीडियो को इधर एडिट करना है उस वीडियो को सेलेक्ट करके ले जाना है वहाँ कैपकट पे। तो हमको ये वीडियो एडिट करना है, तो इसको ले जाएंगे हम कैपकट में। उसके बाद अच्छे से सेट कर लीजिएगा। इधर लिखा हुआ है एक्सेप्ट रेटियो, उस पर टच करके 9.16 कर लीजिएगा आप लोग भी, और अच्छे से सेट कर लीजिएगा। अच्छे से सेट करने के बाद एक बार वीडियो चला के देख लीजिएगा, ठीक है हमारा वीडियो। तो उसके बाद अब क्या करते हैं, इधर पीछे कैपकट के सबसे लास्ट में आके एक वाटर मार्क मिल रहा होगा कैपकट का, उसको हटा देना है। फिर वीडियो को 8 सेकंड का बनाना है तो 8 सेकंड का बना लेना है। उसके बाद थोड़ी दूर आके जहाँ पे इमोट का रुख, जहाँ पे प्रणाम होता है वहाँ पे जाके इधर इस पर टच नहीं करना है, इस पर टच नहीं करना है। इधर ओवरवेल का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर टच कर देना है आप लोगों को। फिर ऐड ओवरवेल पे जाना है। उसके बाद जिस वीडियो को आप वैसे करने चाहते हैं, जैसे कि हम ये दुर्गा माँ का करना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को टच करते हैं। जैसे कि आ गया आप, तो इसको भी अच्छे से आप लोग सेट कर लीजिएगा ऊपर ले जाके, इतना दूर में कर लीजिएगा। उसके बाद इसको टच करके इधर साइड में मार्क्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टच कर देना है आप सभी को। और पहला हॉरिजेंटल का ऑप्शन दिख रहा है, उसी पे टच करना है आप सभी को। उसके बाद ये तीर का निशान जो दिख रहा है उस पर टच करना है। तो गाइस देख सकते हैं मेरा यहाँ तक हो गया है, उसके बाद चला के दिखा सकते हैं आप लोगों को। तो इसको नीचे कर लीजिएगा गाइस, थोड़ा सा ऐसे नीचे कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से इतना तक एडिट हो गया है। उसके बाद एक बार फिर से जिस वीडियो को आप पहले अपलोड किए थे उसी को ऐड ओवरवेल में करके फिर से अपलोड कर लेना है। जैसे कि हम इस वीडियो को अपलोड किए थे पहले बार में, तो दूसरे बार भी इसी को करना है। तो ठीक से सजा लेना है इसी को फिर से, उसी तरह जिस तरह पहली बार सजाए थे उसी तरह एडजस्ट कर लेना है। मिस्टेक नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो वीडियो नहीं बनेगा। और उसके बाद इस पर टच करके इधर बैकग्राउंड रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया होगा, उस पर टच कर देना है आप लोगों को। ऑटो रिमूवल पे टच कर देना है। तो देख रहे हैं यहाँ लोडिंग हो रहा है, यहाँ क्लिक हो चुका है। तो आप वीडियो चला के देखते हैं, सेम टू सेम बन गया होगा गाइस। देख सकते हैं गाइस मेरा वीडियो बन के रेडी हो चुका है, अब इसको गैलरी में एक्सपोर्ट करने की पारी आती है। तो यहाँ पे टच करके 2K या तो 4K में कर लेना है। उसके बाद इधर एरो का निशान दिख रहा है, उस पर टच कर देना, तो वीडियो सेव हो जाएगी हमारी गैलरी में। तो गाइस मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।